अजमेर में 4 साल पहले नाबालिग से रेप करने और उसकी अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने मामले में रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके अन्य दोस्तों के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि थाने पर उपस्थित होकर एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई कि 2018 में 9वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई। दिसंबर में उसका दोस्त उसे अपने घर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद पीड़िता को पता चला कि उसका दोस्त नशा करता है, इस पर उसने उससे दूरी बना ली। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने उसके दोस्त से दूरी बनाई तो वह उसे उसकी अश्लील वीडियो दिखाकर धमकियां देता रहा और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करता रहा। वर्ष 2021 में पीड़िता ने परेशान होकर उसके दोस्त को धमकियां दी और कहा कि वह सारी घटना उसके परिवार वालों को बता देगी और उसे जेल भिजवा देगी। इस पर उसके दोस्त ने उसे उसकी अश्लील फोटो वीडियो को डिलीट करने का आश्वासन दिया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 11 सितंबर 2022 को उसके परिचितों का उसके पास फोन आया और बताया कि सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील वीडियो पोस्ट की गई है। पीड़िता ने वापस अपने दोस्त से संपर्क किया तो दोस्त ने कहा कि उसके अन्य दोस्तों द्वारा उसके फोन से सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पीड़िता ने थाने पहुंचकर मुख्य आरोपी सहित उसके अन्य दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 13 तारीख को थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि जब वो 9वीं क्लास में पढ़ती थी तो उसकी एक युवक से दोस्ती हुई और इसी दौरान उनके आपस में शारीरिक संबंध भी बन गए। उस लड़के ने वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो अभी करीब 2 साल बाद वायरल हुआ है। इस संबंध में उसने अपने साथ बलात्कार की घटना और वीडियो वायरल करने के संबंध में रिपोर्ट दी है, जिस पर पॉक्सो और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है। घटनाक्रम कब का है? ये करीब 2-2.5 साल पुराना है। स्कूल के वक्त ही हुआ है जी।